हुआ देख रहल बानी बिहार इंसौर सर हम बानी पूजा प्रिया। आज आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन भोजपुरी में क्यों दिया, क्योंकि ये खबर भोजपुरी भाषा से ही शुरू हुई है। और आपको बता दें कि बिहार के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जी हाँ, और ये ऐलान भोजपुरी भाषा से ही जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड में भी भोजपुरी और मगही को लेकर बड़ा विवाद हुआ है। इसी बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि झारखंड के कई जिलों के स्थानीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया है। मिनी भोजपुर कहे जाने वाले बोकारो और धनबाद के बारे में भी हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसकी चौतरफा आलोचना भी हो रही है। भोजपुरी बिहार और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। देश से बाहर नेपाल, मॉरिशस, नीदरलैंड सहित कई देशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। बिहार में भोजपुरी को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग गौर करेगा। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षा विभाग इसे जरूर देखेगा। आपको बता दें चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह बार बार ये कह रहे हैं कि भोजपुरी सिर्फ बिहार की भाषा नहीं है, भोजपुरी यूपी में भी है और झारखंड में तो है ही, छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग ये भाषा बोलते हैं। हम लोगों को भोजपुरी के लिए यहाँ जो करना है वो तो करेंगे ही, और फिर से इसे केंद्र को भेजेंगे। आपको बता दें चले कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि भोजपुरी का बड़ा क्षेत्र है, इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। अभी झारखंड में भोजपुरी को लेकर जो विवाद हुआ वो बहुत ही गलत है। हम तो कई बार भोजपुरी सम्मेलन में भी गए हैं। इसी तरह मगही का भी महत्व है, भाषा को महत्व मिले इसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने मैथिली के लिए कहा था, एक महीने के अंदर ही उन्होंने इसे संविधान की अष्टम सूची में डाल दिया। आपको बताते चलिए कि झारखंड सरकार के फैसले को भाषाई आधार पर समाज को बांटने की कोशिश माना जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार भोजपुरी को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने पर गौर करेगी। इसके व्यापक फैलाव के लिए केंद्र सरकार से वो आग्रह भी करेगी। वो सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उनसे इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने 3-4 बिंदु पर बात की। सबसे पहले, भोजपुरी एक बड़ा एरिया है, इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, ये बिहार के अलावा यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी बोली जाती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसके व्यापक फैलाव के लिए वो केंद्र सरकार से पहले भी बात कर चुके हैं और अब भी बात करेंगे। अभी झारखंड में जो हुआ वो बहुत गलत है, झारखंड में भी लोग भोजपुरी बोलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे आग्रह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने मैथिली भाषा को संविधान के अष्टम सूची में डलवा दिया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि भोजपुरी को प्राथमिक शिक्षा का दर्जा दिया जाएगा, प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि भोजपुरी को लेकर बिहार में ही नहीं झारखंड में भी अभी विवाद चल रहा है। हालांकि बिहार में विवाद नहीं चल रहा है, इसको लेकर हमेशा वाद विवाद जरूर चलता है, इस पर कई तरह की राजनीति भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भोजपुरी को प्राथमिक शिक्षा का दर्जा दे दिया जाएगा तो वो लोग जो बड़ी संख्या में भोजपुरी भाषा का अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी होगी। और अब हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी पढ़ने को मिलेगा, यानी कि भोजपुरी को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करके कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरह देखा जा रहा है और एक भाषाई स्तर पर एक भाषा का विकास भी देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ये सारी जानकारी भी साझा की है कि बहुत जल्द वो इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार से बात भी करने वाले हैं और भोजपुरी को प्राथमिक शिक्षा का दर्जा भी देने जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप भोजपुरी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। कमेंट सेक्शन में जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।